नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारतीय सेना आज यानी 27 अक्टूबर को अपना 75वां इन्फेंट्री डे यानी कि पैदल सेना दिवस मना रही है। आज ही के दिन 1947 में सेना के सिख रेजिमेंट ने वायु सेना के विशेष डाकोटा विमान से श्रीनगर में लैंड कर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी सेना और काबलियों से के चुंगल से बचाया था। और वहीं पर जम्मू के जोड़िया इलाके में आज सेना ने एक प्रदर्शनी लगाकर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शनी में बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी आधुनिक हथियारों की जानकारी देने के साथ साथ बच्चों को सेना में शामिल होने की प्रेरणा भी दी गई। आपको बता दें कि भारत के आजादी के बाद 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का देश के साथ आधिकारिक तौर पर विलय हुआ था और साथ ही जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद भारतीय सेना 27 अक्टूबर 1947 को मड़गाम हवाई अड्डे पर उतरी थी और इस दिन को इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ सालों बाद जो है वहां पर इस भारतीय सेना संघ के हिस्से की घोषणा जो है वो कर दी गई थी। आज हम सबने जहाँ पर इन्फेंट्री डे सेलिब्रेशन देखा और इसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसे देखने के बाद मुझे हम सबको ये पता चलता है कि हमारी इंडियन आर्मी हमारे लिए कितनी मेहनत करती है और इसे देखकर मेरे अंदर से भी उत्साह है कि मैं भी इन्फेंट्री ज्वाइन करूँ और हमारी इंडियन आर्मी हमारे लिए इतना करती है और एक दिन शायद मैं भी ऐसा बनकर ये सब कुछ करूँ। आज हमें इन्फेंट्री डे के मौके पर आज हमें LOC के इतने पास लाया गया और हमें जहाँ पे वेपन दिखाए गए हैं ये वेपन हमने पहले कभी नहीं देखे। आज हमें दिखाया गया और हमें ये भी दिखाया गया कि उसका कितना अफेक्ट पड़ता है दुश्मनों पर। हमें सब कुछ लाइव स्क्रीन पर दिखाया गया हमें सब कुछ और मैं बहुत खुश हूँ ये देख कर कि और हमें अपनी इंडियन आर्मी पर गर्व है और उनके इस वेपनों पर भी गर्व है क्योंकि अगर इंडियन आर्मी ना होती तो आज जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो शायद आज इंडिया की ना होती, वो शायद पाकिस्तान के में होती है। मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्यों और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी इंडियन आर्मी जहाँ पे भेजी और हमारे जम्मू कश्मीर को बचाया। अब ये देखकर मुझे भी गर्व हो रहा है और मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी जाना चाहिए इंडियन आर्मी में और मुझे ये सब देख के मेरा अभी सीना चौड़ा हो रहा है ये सब देख के। आज ही के दिन साल 2001 में कठुआ जिले के बिलावर इलाके में आतंकियों से लोहा लेते शहीद हुए DSP देवेंद्र शर्मा व हेड कांस्टेबल गुरबचन सिंह को आज उनके शहीदी दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस और लायंस क्लब इंटरनेशनल ने आरएसपुरा के देवेंद्र चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें शहीदों के परिजनों के अलावा समाज के सभी वर्गों ने श्रद्धासुमन अर्पित कर इन दोनों शहीदों की वीरता का गाथा जो है वो याद किया। शहीद लगाने के लिए हमें अपनी बलिदान और अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, वो कोई इतना आसान नहीं है, हर आदमी के बस का नहीं। जिस तरह जहाँ
पेड़ से जहाँ कहा गया कि रविंद्र शर्मा जी का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ पालन पोषण होने के बाद, जहाँ आरतपुरा में उन्होंने आज अध्यापक की सेवा दी और उसके बाद पुलिस में ज्वाइन करने के बाद एज SHO अपने ही शहर में ड्यूटी दी। कहने को बड़ा आसान है लेकिन अपने ही शहर में जब कोई ड्यूटी दे तो उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं और उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने उस कर्तव्य को निभाया। इस मर्जी में वो ड्यूटी कर रहे थे उसको निभाते हुए अपना बलिदान दिया। पुरुष ऐसे इंसान थे जिन्होंने समाज की सेवा की और अपने शहर में ड्यूटी इस तरह दी जिस तरह लगता था कि बाकी ईमानदारी से वो काम कर। आज लाइन और पुलिस डिपार्टमेंट को मिलकर हर साल इस दिन को मनाती है ताकि उनको याद भी किया जाए और उसके साथ साथ अपने नौजवान बच्चे उनको मार्गदर्शन भी मिले और उनको ये लगे कि हमें भी देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। 2001 में कठुआ के बिलावर कटली में एक एनकाउंटर में उन्होंने शहादत प्राप्त की। उनके साथ हेड कॉन्स्टेबल गुरबचन सिंह जी भी थे। अगर हम JKP की हिस्ट्री देखें जो मेरे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है 1604 पुलिस कर्मियों ने इसमें शहादत दी है जिन्होंने टेररिज्म से फाइट किया है। डिफरेंट जहाँ जहाँ भी पुलिस को चैलेंज मिला वहाँ पहुँचे, अपनी जान की परवाह तक नहीं की। जैसे कि एक प्रवक्ता शहीद सतपाल बफी जी ने कहा कि शहादत ऐसे नहीं मिलती, जो शहीद होता है उसके लिए प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों को शत शत नमन। शहीद कभी भी मृत नहीं होता, वो अमर होता है। जो हमें नशे के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो मैं आप सब लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप अगर यहाँ से बाहर निकले, इनकी शहीदों की गाथाओं को सबको सुनाएं और उनको बताएं कि देश के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो नशे में ना पड़े। इन लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं और अपने जैसे इन लोगों ने अपने जीवन में आगे बढ़े। सरकारी स्कूलों का नामकरण शहीदों के नाम करने की जम्मू कश्मीर प्रशासन की मुहिम में आज एक कड़ी और जुड़ गई है। सांबा के विजयपुर जोन के दुड़ई गांव में स्थित गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल का नाम बदल दिया गया है और अब ये शहीद हवलदार राकेश कुमार मेमोरियल मिडिल स्कूल के नाम से कहलाएगा। राकेश कुमार इसी गाँव के रहने वाले थे और 23 मार्च 2009 को उन्होंने कश्मीर के कुपावाड़ा सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद पाए गए थे। हवलदार राकेश कुमार जी के नाम पे इस गवर्नमेंट मिडिल स्कूल द्रुई का नाम रखा गया है। ये यहाँ के लोगों का अपना एक एफर्ट है जिसके कारण ये हुआ है आज मुमकिन। और इनका नाम जब तक ये स्कूल रहेगा, जब तक यहाँ लोग रहेंगे, जो पीढ़ियाँ यहाँ रहेंगी, ये हमेशा चलता रहेगा और ये यहाँ के लोगों को इनक्रेज करेगा कि वो इस तरीके के इनिशिएटिव के लिए आगे आएं, देश के लिए बलिदान देने के लिए भी तैयार रहें और कोई भी तरीके की काम है उसको करने के लिए उनमें एक जज्बा पैदा करें। एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इनिशिएटिव है जिससे बहुत बच्चे इंस्पायर होंगे, इनकरेज होंगे और उनको कुछ अच्छा करने की मोटिवेशन मिलेगी। और जबकि ये स्कूल अब पापा के नाम पे है तो आई एम श्योर कि बच्चे जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो पापा के जो रियल लाइफ स्टोरी है, उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिया उससे डेफिनेटली इंस्पायर होंगे और आर्मी फील्ड में जाना परस्यू करेंगे और अच्छा करेंगे। शहीद हवलदार राकेश कुमार। जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। फ्रंट ने जम्मू कश्मीर के सरकारी विभागों में तैनात मुलाजिमों और डेली वेजरों आदियों की मांगों का हवाला देते हुए उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का ऐलान किया है। जम्मू में आज फ्रंट की कार्यकारी कमेटी की बैठक बुलाई गई जिसमें फ्रंट के प्रधान अब्दुल गफूर डार ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि फ्रंट के बैनर तले 21 नवंबर को जम्मू में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें सरकारी मुलाजिमों और डेली वेजरों को विश्वास में लेकर आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी।
अब हमने एक बार फिर फैसला लिया है आज इजलास में कि हम जम्मू कश्मीर में वर्किंग क्लास की सरकारी कर्मचारियों का, डेली वेजर्स का, कैजुअल लेबर्स का और मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के जो मसाइल हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट के प्लेटफार्म से उठाएंगे। और आज हमने फैसला किया है कि हम जम्मू कश्मीर के तमाम जिला लेवल की जो लीडरशिप है, ऑल डिपार्टमेंट्स के लोग जो हैं, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स और बाकी सरकारी कर्मचारी, वो सभी लोग 21 नवंबर को जम्मू में हम पॉलीटेक्निक कॉलेज में या जो भी हॉल अवेलेबल होगा 21 नवंबर को एक स्टेट लेवल का एक कन्वेंशन करेंगे जहां पर तमाम इश्यूज पर डिटेल्ड डिस्कशन होगी, डिबेट होगा और आगे की रणनीति जो है जदोजहद की वो तय होगी। आज के वर्किंग कमेटी के इजलास में जहां हमने 21 नवंबर को ये कन्वेंशन करने का फैसला किया है जिसमें कश्मीर की लीडरशिप भी पार्टिसिपेट करेगी, जम्मू की भी पार्टिसिपेट करेगी, हर डिपार्टमेंट से हमने एक एक लेना। राजेश गुप्ता नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और जम्मू में आज आयोजित बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं ने सर्वसम्मति से राजेश गुप्ता को ये जिम्मेदारी सौंपी। राजेश गुप्ता ने बताया कि वह पार्टी द्वारा उन पर जताए गए विश्वास पर हर हाल में खड़ा उतरेंगे। और मुझे एक बार फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जम्मू कश्मीर यूटी का मुझे अध्यक्ष अनपोज चुना गया है, तो मैं सबसे पहले तो अपने पार्टी के नेशनल लीडर्स सभी का हार्दिक तौर से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने फिर से मेरे पे विश्वास जिताया। और मैं भी इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इस कार्य में अपना 100% दूंगा और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक नया बदलाव आएगा। तो इस बार हमें मेन जो प्रायोरिटी है वो नारी शक्ति को दी है और युवाओं को, क्योंकि जैसे कि हमारा भारत इस वक्त युवा है तो युवा भारत ही आगे बढ़ेगा और यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में प्रयास रहेंगे। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा जम्मू यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले नए स्टूडेंट्स के मार्गदर्शन के लिए हेल्प डेस्क खोला गया है और वहीं पर इकाई के महासचिव अजय लखोत्रा ने बताया कि इस हेल्प डेस्क के जरिए दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स को पेश आ रही हर दिक्कतों का समाधान किया जाएगा, जिसके लिए NSUI के कार्यकर्ता सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहां मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि दाखिलों की प्रक्रिया खत्म होने तक ये हेल्प डेस्क जो है अपनी सेवाएं देता रहेगा। विद्यालय में आने वाले नए फ्रेशर्स का सबका स्वागत करती है और आपके माध्यम से ये आह्वान करती है कि नए छात्रों को जो एडमिशन के रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी मदद चाहिए आपके लिए NSU जम्मू कश्मीर के वॉलंटियर यहाँ पे ऑफिस आवर्स में जब तक एडमिशन प्रोसेस चलेगा 9 to 5 यहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेंगे। आपको किसी भी प्रकार की, चाहे आपको एडमिशन में चाहिए, आपको PDF फाइल नहीं मिल रही, आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, आपको एफिडेविट कौन सा चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में कैसे जाना है, क्या करना है, किसी भी छोटी सी छोटी दिक्कत परेशानी किसी भी छात्र को आती है तो उसके लिए NSU जम्मू कश्मीर के वॉलंटियर्स यहाँ पे बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि NSU जम्मू कश्मीर हर साल यहाँ पे करती है अपना जो हेल्प डेस्क का आयोजन, इस साल भी हमने शुरू कर दिया है और ये जब तक एडमिशन प्रोसेस चलेगा तब तक यह हमारा चलता रहेगा। स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज दूसरे पुंछ प्रीमियर क्रिकेट लीग का शुभारंभ हुआ। इस लीग के लिए 360 खिलाड़ियों का पंजीकरण हुआ था जिसमें से 160 खिलाड़ियों को ही खरीदार जो है वो मिल पाए, जिन्हें बोली लगाकर खरीदा गया। यही वजह है कि इस लीग में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं। आज पहला मैच जो है वो पुंछ लीगर्स और पुंछ कलंदर की टीम के बीच खेला गया। इस आयोजन के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों के प्रति रुझान दिखाने का आह्वान किया जा रहा है।
प्रीमियर लीग का सेकंड एडिशन है जो इस बार जो है आज ओपनिंग का दिन है हमारा। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये पूरी जो होल लीग जो है ये डेडिकेट किए जा रही है एडवोकेट नीतीश सासन, जो हमारे दोस्त थे जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके नाम पर, इसकी जो है हर एक चीज़ इस टूर्नामेंट की जो है उनके नाम पर जो है डेडिकेट की जा रही है। और इस पूरे टूर्नामेंट को ओवरऑल जो स्पॉन्सरशिप मिल रही है वो अविनाश शर्मा और उनके जो दानिश रैना वगैरह जितने भी फ्रेंड्स हैं वो कर रहे हैं। और इस पूरे टूर्नामेंट में जो है 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 360 प्लेयर रजिस्टर हुए थे, 160 प्लेयरों ने जो है लीग में अपनी जगह बना पाए। तो इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट का जो है जो फाइनल खेला जाएगा वो 12 नवंबर को खेला जाएगा अगर वेदर कंडीशन जो ठीक रही। तो मैं पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करूंगा और खास करके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, क्योंकि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के बगैर कोई भी इवेंट करवाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। उसी तरीके से अगर इंडियन आर्मी की बात की जाए उनकी तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनकी बड़ी हमें सपोर्ट रहती है। और इस साल सूर्य ग्रह के कारण तिथियों को लेकर उपजे संशय की स्थिति के कारण भाई दूज आज दूसरे दिन भी मनाया जा रहा है। बीते कल यानी बुधवार को शुरू हुए भाई दूज का शुभ मुहूर्त आज समाप्त होने के चलते इस पर्व को आज भी कई लोगों ने होशोहल्लास के साथ मनाते हुए इसकी परंपराओं का निवारण किया। बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की और बदले में भाइयों ने बहनों को उपहार देकर अपना धर्म निभाया। क्या टाइम? मेरा नाम रोहिणी चौहान है और ये भाई दूज का त्यौहार जो है साल में एक बार ही आता है। इसमें जो है कि हम जो बहनें अपने भाई को टीका लगाकर उसकी लंबी आयु की दुआ करते हैं और इसमें जो है लोग एक दूसरे के घर पे जाते हैं अपने भाई बहनों, कुछ जो भाई बहन होते हैं वो इतने दूर होते हैं कि नहीं आ पाते हैं तो वो उनके लिए हमें दुख होता है कि जो मतलब कभी कोई फॉरेन में होता है, कभी कोई इंडिया में नहीं होता, किसी कारण जो है वो एक भाई बहन जो है वो नहीं मिल सकते हैं। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि हैप्पी भाई दूज टू ऑल, थैंक यू सो मच। मेरा नाम रुद्र है, आज भाई दूज है, आज हमारी बहनें हमें टिक्का लगाती है, आज बहनें हमें गिफ्ट देती है और हम भी उन्हें देते हैं। जम्मू स्थित बाल निकेतन और वृद्धाश्रम में भी आज भाई दूज का त्योहार होशोहल्लास के साथ मनाया गया। बाल निकेतन में ये रह रहे बच्चे जहां पर इस त्योहार को लेकर बेहद उत्साह देखा गया, वहीं वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के चेहरे पर भी खुशी खिल उठी। उधर देखो, ये पाओ ना मुझको। वेद मंदिर में बालिका निकेतन और बाल निकेतन के बच्चों ने मिलकर के भैया दूज के त्योहार को मनाया है और हम सब भी साथ में थे। यहाँ वेद मंदिर के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेडर, जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे संरक्षक हैं सभी और हमारे रैना साहब भी यहाँ पर हैं, सब ने मिलकर के बच्चों के साथ भैया दूज का कार्यक्रम मनाया। ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो गए, ज़्यादा ही समझदार हो गए हमारे पेरेंट्स से, लेकिन वो भूल जाते हैं कि माँ बाप ने जैसे पैदा किया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, तो अब हमारी भी उनकी तरफ कुछ तवज्जो देनी चाहिए, उनका हमारी ड्यूटी है अपने माँ बाप के लिए। लेकिन आज की जनरेशन में मैक्सिमम लोगों ने ऐसा भूल चुके हैं, मैक्सिमम लोग भूल चुके हैं, ऐसा नहीं है सभी भूल चुके हैं, काफ़ी लोग ये भूल चुके हैं। उसका रिजल्ट ये वृद्धाश्रम है, उसी का रिजल्ट ये वृद्धाश्रम है। लेकिन ठीक है, जैसे कि हमारे गुप्ता साहब ने कहा कि जिनका कोई नहीं है, जिनके बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो ठीक है वृद्धाश्रम चलेगा, लेकिन जिनके सब कुछ होते हुए भी अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके पास खाना भी है, दवाई भी है, सेवा भी है, सब कुछ है, लेकिन माँ बाप के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए कुछ भी नहीं है।
8 नवंबर से शुरू होने वाले किसानों के उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक जुड़ी मेले की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण 2 सालों तक मेले का आयोजन नहीं हो सका था और अब कोविड का प्रकोप काफी हद तक खत्म होने के कारण ये परंपरा धार्मिक खुशोल्लास के साथ निभाई जाएगी। जम्मू प्रशासन ने जहाँ पिछले दिनों इस मेले में बिजली पानी की आपूर्ति सहित स्वच्छता व अन्य सुविधा देने का खाका तैयार कर लिया था, वहीं मेले स्थल पर कारोबार करने वाले लोग जो हैं वो भी अब कमर कस चुके हैं। मेले स्थल के आसपास साफ सफाई का काम भी जारी है और यहां उगी झाड़ियां व जंगली घास जो है वो भी काटी जा रही हैं। यहाँ पे इस टाइम तो यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे ये हमारे काफी अच्छा मेला है, ये 2-3 साल के बाद हो रहा है मेला। यहाँ पे श्रद्धालु को पहले कोई 4-5 लाख रुपए में आते थे, अभी इस साल उम्मीद है कि इससे भी डबल आएंगे। ये स्टाफ बहुत अच्छी सफाई हो रही है अपनी, ये बिजली वाले, ये लोकल अपने नालिये वाली, जो हमारे SDM साहब बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं यहाँ पे। हमें इस उम्मीद है कि काम भी अच्छे हो रहे हैं और मेला भी बहुत अच्छा, और श्रद्धालु इस बार लगता है कि बहुत ज्यादा आएंगे बाहर से, और मैक्सिमम जो काम है हो चुका है, थोड़ा बहुत रहा है, 6 लोग भी आना स्टार्ट हो रहे हैं 1-2 दिन में। ये बैलून वगैरह वाले भी आ गए हैं, बाहर के लोग आए यहाँ पे, बहुत अच्छा आके विजिट करें, बहुत अच्छी जगह है। हमें बावजूद तो बुआ कोड़ी जी की मानी हुई जगह है, यहाँ पे आए, अच्छे से फैसिलिटी रखी हुई है इनके लिए, हर एक चीज़ की फैसिलिटी है, रहने की, खाने की, हर एक फैसिलिटी है। SDM साहब ने बहुत अच्छा यहाँ पे रखा हुआ अरेंजमेंट, रहने का, पानी का, बिजली का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। 2 साल के बाद मेला लग रहा है ना, इसलिए मेले में खिलौने बेचने आए, लोग तो ज्यादा ही आने चाहिए यहाँ, जैसे ज्यादा आएंगे तो व्यापार भी ज्यादा होगा। और ये जो मेला जो है ना J&K का अच्छा मेला लगता है, और काफी उम्मीद लेके आए हम ये मेले से कि ये मेले में बढ़िया मतलब रौनक हो और काफी श्रद्धालु आए यहाँ पे और अच्छा काम चले, बस इतनी उम्मीद है कि मेला अच्छा भरेगा। और 2 साल तक मेला नहीं चला है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है हमारा भी। वहाँ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और कुछ व्यापार में भी कुछ फायदा हो कि नहीं। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी JKE सहज के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मेडिकल कॉलेजों के एसोसिएट अस्पतालों की श्रेणी में साइकेट्री DGG अस्पताल जम्मू को पहला रैंक मिला है। ये गौरव हासिल होने पर अस्पताल प्रबंध ने NHM का आभार जताते हुए कहा कि इस उपलब्धि के अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ के साथ साथ मरीजों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। अस्पताल में तैनात डॉक्टर अभिषेक चौहान का इस बाबत क्या कुछ कहना है, आइए आपको बताते हैं। इम्पोर्टेंट चीज थी कि पेशेंट ने अपने रिव्यूज इस पे भी दिए कि हॉस्पिटल में स्टाफ पंक्चुअलिटी कैसी थी, हॉस्पिटल की क्लीनलीनेस कैसी थी, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, और क्या उनको अननेसेसरी वेट तो नहीं करना पड़ा अपनी टर्न के लिए जब उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। इन सब मापदंडों को देखते हुए पेशेंट से अपना एक एक, एक, एक रिव्यू बनाया, अपना एक एक, एक आइडिया बनाया, और उसी आइडिया पे, उसी रिव्यूज को जब उन्होंने दिया तो देखा गया कि हमारे हॉस्पिटल को सबसे बेस्ट रिव्यूज मिले, और हमारी जो ट्रीटमेंट जो थी वो रजिस्ट्रेशन, और जो हमने पेशेंट्स को डिस्पोजल किया उस रजिस्ट्रेशन पे थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, वो सबसे अव्वल थी। जम्मू के SMJS अस्पताल में भर्ती कैंसर से ग्रस्त बच्चों के इलाज के लिए सरकार की ओर से काफी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं पर SMJS अस्पताल में तैनात डॉक्टर डेगरा ने जानकारी देते हुए कहा कि कैंसर से ग्रस्त बच्चों के इलाज के लिए कुछ NGO भी अपनी पूरी मदद दे रही हैं, जिनकी मदद से इलाज का खर्चा उठाने में असमर्थ तमीरदारों को राहत पहुंचाई जा रही है। कैंसर जो बच्चों में है, ऐसे भी नॉर्मली ब्लड कैंसर जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है बच्चों में, तो हमारे पास भी जो मैक्सिमम बच्चे आ रहे हैं वो ब्लड कैंसर के साथ ही आ रहे हैं, जिसमें एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिकीमिया जो है वो सबसे ज़्यादा देखने में आ रहा है।
इसके अलावा और भी कैंसर्स हैं, जैसे किडनी के कैंसर हो गया, ग्रिम्स ट्यूमर हो गया, न्यूरोब्लास्टोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के पेशेंट्स हमारे पास टाइम टू टाइम आते रहते हैं। और अभी पिछले कुछ सालों से जो है हम देख रहे हैं कि हमें हर साल एटलीस्ट 50 के आसपास नए पेशेंट हमारे पास रजिस्टर हो रहे हैं। तो और ये जितने भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जो ब्लड कैंसर पेशेंट्स हैं, इनका ट्रीटमेंट तो काफ़ी लंबा चलता है, कोई लड़कियों में करीब करीब 2.5 साल और लड़कों में करीब करीब हमें 3 साल तक ये ट्रीटमेंट चलाना होता है। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।